हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। यार, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड पॉजिटिव रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद से प्यार कीजिए और पॉजिटिव रहिए, है ना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो समझिए दुनिया में कोई भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगा। एंड डियर, आज डिटेल में जानेंगे कि आने वाला सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्या नए चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं, है ना। तो सभी देखेंगे इसी रीडिंग में। जल्दी से कोई भी एक नंबर चुन लीजिए जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, है ना, उसी नंबर को आप चुन लीजिए। बहुत सिंपल है, नंबर वन, नंबर टू, कौन सा भी नंबर आपको अच्छा लगे, जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी तरफ को खींच रहा हो, तो उसी नंबर को आप चुन लीजिए। जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा डियर, जर्नल रीडिंग हमेशा सबसे कनेक्ट होता है ऐसा नहीं होता है। तो जर्नल रीडिंग है, लेकिन अगर पॉजिटिव होकर देखेंगे तो एनर्जी ज़रूर आपको उस पर कनेक्ट होगी इस रीडिंग की। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर वन चुना है। ओके, हो, हेलो नंबर वन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड यार, पॉजिटिव रहिए और आप किसी से कम नहीं हैं, इस बात को याद रखिएगा, अपनी इंपॉर्टेंस समझिएगा। आप वन पीस हैं इस दुनिया में, यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में लाया है इंसान के रूप में, तो ऑफिशियली आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। आपके जो कर्म हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में, है ना, तो उसका पुण्य का फल आपको मिला है। एंड इस लाइफ में भी आपके जो कर्म हैं बहुत अच्छे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ भी हमेशा खड़े रहते हैं गॉड, यूनिवर्स, सब मिलकर आपकी हेल्प करते हैं हमेशा। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला महीना कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए डियर, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां आप इस वक्त झेल रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी परेशानी है आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपका लव पार्टनर। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आपके लव पार्टनर से है या फिर लाइफ पार्टनर से, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ से या फिर GFBF से। तो आपको ये प्रॉब्लम्स इस वक्त सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। एक आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है कि आप पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट की जो पुरानी कड़वी यादें हैं उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये आपकी सबसे गलत बात है डियर, आपको इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा डियर, है ना, इन सब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपनी जो पास्ट की कड़वी यादें हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं ब्रेकअप कर लिया है, बात नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बार बार कॉल मैसेज कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ अनजानों जैसा बिहेव कर रहे हैं, कि जैसे कि आपको जानते ही ना हो, आपसे कभी मिले ना हो, आपसे कभी बात ना की हो, है ना। तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन डियर, जो लोग मैरिड हैं उनके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, और एक दूसरे की शक्ल देखना भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिड़न सी महसूस होती है, है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा नफ़रत सी पैदा हो गई है एक दूसरे के ख़िलाफ़, है ना, हमेशा एक दूसरे से चिड़े चिड़े रहते हैं, बात नहीं करते हैं। तो डियर, ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, है ना, जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए और जो फिर मैरिड में है, यानी कि शादीशुदा लोग हैं, मैरिड हैं, उनके लिए, तो ये देखिए रीडिंग दोनों के लिए ही है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये अभी ख़त्म होगी सेप्टेम्बर में। सितंबर में आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई ऐसा साइन देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अब उन्हें उन्हें कर्मों का हिसाब मिल रहा है, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया है बुरा उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है। एंड जब उन्हें उनका कर्मा मिलेगा तभी वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे एंड दौड़ भाग कर आपके पास आएंगे। वो एकदम से नहीं रुक पाएंगे और फाइनली एकदम से आपके पास आएंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि गलती हुई है भाई, और इस गलती को सुधारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी गलती का रियलाइज़ होगा उन्हें, उनकी गलती का रियलाइज़ होगा कि हाँ उनसे गलती हुई है, रियलाइज़ करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। क्योंकि अभी जो इनकी सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, बट ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, है ना, ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर। ये झुकना पसंद नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, इसे झुकना पसंद नहीं है, ये
गलती हुई है इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन झुकना नहीं चाहता। इसे ऐसा लग रहा है कि मुझे झुकना नहीं है और आपसे प्यार करता है। इस बात में तो इसे कोई शक नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि ये प्यार करता है और आपके बिना नहीं रह सकता है। फिर आप चाहे आपके वो लवर हैं ये या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कुछ भी है आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। एंड योर फीलिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बात भी कहेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें इनके किए का कर्मा मिलेगा सितंबर में, उसके बाद ये आपके पास आएंगे। फिर देखना जब यूनिवर्स इन्हें कर्मा देंगे ना, इनके किए की सजा देंगे, उसके बाद इनके दिमाग में यही बात आएगी कि मुझे जाना है अपने पार्टनर के पास। भागकर आपके पास आएंगे, नहीं रुक पाएंगे बिल्कुल भी, तभी आपसे सॉरी बोलेंगे। और आपको जो भी हस्बैंड वाइफ दूर हैं उन्हें उनके पार्टनर आकर लेकर जाएंगे अपने साथ। एंड जो लोग लवर्स हैं और जो काफ़ी टाइम से मूव ऑन कर चुके हैं या ब्रेकअप हो गया है, वो फिर से इस सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ब्रेकअप सिचुएशन से भी और मूव ऑन सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। तो डियर, बहुत अच्छा रहने वाला सितंबर का महीना लव रिलेशनशिप वालों के लिए, मैरिड लोगों के लिए, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डियर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट कनेक्ट हुई है। अब बात करेंगे जिन्होंने नंबर 2 चुना है, कैसे हैं। हेलो डियर, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड डियर, आपके सामने 2 नंबर थे, आपने 2 नंबर 2 को चुना है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो डियर देखिए, सितंबर का महीना कैसा रहेगा उससे पहले जानते हैं कि अभी इस महीने और जो पिछले महीने थे उनमें आपकी क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी। तो आपका जो आप पहले जो मंथ थे आपके जो भी गए हैं ना, इन मंथ्स में आप काफ़ी परेशान रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए ना जाने कितनी कोशिश की है आपने, बट डियर कामयाब अभी नहीं हो पाए हैं। घर में आपके पेरेंट्स हैं और भी रिलेटिव हैं जो भी आपके अपने हैं, वो हेल्थ सिचुएशन उनकी ठीक नहीं है, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। अब चाहे छोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है एंड आती जाती रहती है ये प्रॉब्लम भी। एकदम से अगर 1% ठीक है तो अगेन ही 2 से 3 दिन बाद फिर कोई दूसरा पर्सन भी आपका बीमार पड़ जाता है या फिर आप खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है। एंड यार, आप ना जॉब को लेकर भी बहुत परेशान हैं, आपकी जॉब भी नहीं लग पा रही है। आपने इतनी कोशिश की है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, उन्होंने इतनी सारी कोशिशें की हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है। तो आपकी कहीं ना कहीं सिचुएशन गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी ख़राब चल रही है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर। लेकिन ये इतना स्ट्रेस लेना देखिए ठीक नहीं है, मैं फिर से आपसे कहूँगी। एंड ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब से अलग, वो चाहते हैं ना प्राइवेट जॉब भी मिल जाए, लेकिन उनकी वो भी नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो यार उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, मतलब कहीं से भी आप खुश नहीं लग रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और बस ये समझिए कि पटरी पर से गाड़ी उतर चुकी है, अभी बिल्कुल भी आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो अभी देखिए डियर, आप लोगों ने इतनी प्रॉब्लम फेस की है, तो आप सितंबर का महीना कैसा रहेगा यही देखते हैं। चलिए हम ओके। हाँ ओहो, देखिए डियर, आपका जो सितंबर का महीना है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं डियर, उनके लिए तो थोड़ी कम ही चांस है डियर, सॉरी, कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी सितंबर महीने में। एंड डियर, जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी जॉब लग सकती है सितंबर के महीने में, 85% चांसेस हैं। एंड जो लोग अपने आप जॉब में हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए भी 85% चांसेस हैं कि प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी उनकी। एंड डियर, जो जिन लोगों को हेल्थ इशू हो रहा है ना, उनका भी सही है क्योंकि सितंबर महीना हेल्थ, जो आप लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम है ना उसके लिए भी सही है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सितंबर के महीने में ठीक हो जाएंगी एंड आप फिर से रिकवर कर पाएंगे अपनी हेल्थ को, आप फिर से स्वस्थ हो पाएंगे पहले की तरह। एंड यार, जो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई
देखिए गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल है डियर, क्योंकि देखिए बहुत कम चांसेस आ रहे हैं, बहुत ही कम चांसेस है, लो चांसेस 35% हैं, तो बहुत लो चांसेस हैं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, जो लोग प्राइवेट जॉब से परेशान है कि भाई प्राइवेट जॉब मुझे कहीं छोड़कर न्यू जॉब करनी चाहिए, चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उनकी जॉब भी चेंज हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार आएगा, है ना, कुछ हद तक, एकदम से बिल्कुल सुधार नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक सुधार दिखाई दे रहा है, हाँ समझिए 65% सुधार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में आएगा। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने कर्जा ले रखा है तो उनका कर्जा भी कुछ हद तक कम होगा सितंबर महीने में, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा दे रखा है किसी को, है ना, तो उनका वो फंसा हुआ पैसा भी वापस आने के चांस बन रहे हैं, 85% चांसेस है कि आपका फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना आप सबके लिए लकी है, बस केवल गवर्नमेंट जॉब वालों को छोड़कर, क्योंकि डियर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए प्रॉपर बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि जॉब लगेगी आपकी गवर्नमेंट, है ना। तो अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही हो ना डियर, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड डियर प्लीज़ 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 पॉजिटिव जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है डियर, एंड रीडिंग रेजोनेट करने के लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पॉजिटिव ज़रूर रहिए, एंड डियर चैनल पर इसी तरह आते रहिए, एंड यार कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब वालों की इस बार गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है सितंबर के महीने में, तो हो सकता है कि आने वाला जो महीना है मतलब अक्टूबर नवंबर, इसमें चांसेस हो, तो अपनी होप को मत छोड़िएगा, है ना, तो होप भी रखिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड यार कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड कितने परसेंट आपसे मेरी रीडिंग कनेक्ट हुई है तो वो भी मुझे बताइएगा, कि ये रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हो रही है, कितनी परसेंटेज से कनेक्ट हुई है, है ना, तो फिर देखते हैं, और फिर हम कल को एक नई वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए बहुत अच्छी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, है ना, पूरी रात की फीलिंग क्या थी उनकी। तो थैंक यू वेरी मच।